गुज़िश्ता साल हमारी एग्जीबिशन थी, जैसा कि आपको मालूम है ये गुज़िश्ता 10 सालों से मुस्तकिल लग रही है। सन 2004 में इसका स्टार्ट हुआ था और डे बाई डे हम इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। एग्जीबिशन जो है वो 6 के 6 हॉल में है, इंक्लूडिंग बाहर का जो ओपन एरिया है, उस ओपन एरिया में हमारा किड एरिना और फूड कोर्ट जो है वहाँ लगा हुआ है। इसके अंदर पहली मरतबा ये इंटरनेशनल पेविलियन बना है। पूरा हॉल जो है ये इंडोनेशिया भी आया हुआ है इसके अंदर, थाईलैंड भी आया हुआ है, चाइना भी आया हुआ है इसके अंदर, बाकी और दूसरी कंपनीज ने भी सारे यहाँ पर, दूसरी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये हमारा मकसद जो है, इसको मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है और ख़ास तौर से कराची को, क्योंकि कराची में जिस तरह से टेररिज्म वगैरह को एक्सपोज किया जाता है, हालांकि इस किस्म की चीज़ें दुनिया के और बेशुमार ममालिक में हैं, लेकिन ख़ास तौर से पता नहीं क्या है कि मगरबी मीडिया जो है वो कराची में छोटी सी कोई चीज़ भी हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हमने उसको ज़ायल करने के लिए, उस असर को ख़त्म करने के लिए और असल कराची दिखाने के लिए कि असल कराची है क्या, तो हम ये चीज़ मुनक्कद करते हैं। हमारा मकसद इसमें कमाना नहीं होता बल्कि लोगों को बताना होता है, लोगों को बुलाना होता है और उनको फैसिलिटेट करना होता है। हमारा तो साल हर साल चलता है और अभी जैसे ही ख़त्म होगी तो अगले साल का हम अनाउंस कर देंगे कि इन्हीं तारीखों में होगी। एक बात का और मैं आपको बता दूं कि हम खासतौर से रमज़ान शरीफ से पहला जो होता है, यानी आखिरी हफ्ता जो होता है जिसके बाद रमज़ान शरीफ शुरू हो रहे होते हैं, तो हम उन्हीं दिनों में इसको रखते हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि कंज्यूमर गुड्स भी इसके अंदर बेशुमार होते हैं और बड़ी कंपनियां इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो उसके अंदर प्रमोशन भी देती हैं और स्पेशल डिस्काउंट भी देती हैं, तो लोगों को अगर रमज़ान शरीफ के लिए ख़रीदारी भी करनी होती है। बड़ा अच्छा रिस्पांस है, वो यहाँ पर इस मरतबा डिस्प्ले करने के लिए आए और वो बता रहे हैं कि थाईलैंड से क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल हो सकती हैं और किस किस चीज़ के अंदर थाईलैंड जो है वो कम्पटिटिव हो सकता है। ख़ासतौर से यहाँ पर वो फ्री अपना उन्होंने स्टॉल जो लगाए हुए हैं उसके अंदर फ्रूट का और फ्लावर्स के उन्होंने लगाए, वो फ्री टेस्टिंग के लिए उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो वो एवरीवन जो भी आ रहा है उसको वो टेस्ट ज़रूर कराते हैं कि जी ये खा लें आप। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के इवेंट्स हम करते रहते हैं और इसमें हमारा मकसद होता है कि लोगों को ज़्यादा एकोमोडेट करें, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं स्कूलों की और उसमें यानी माओं के साथ वो बड़े फ्रीली यहाँ पर आ जाते हैं, उनके सारे फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हैं, यानी फ्री फेशियल भी हो रहा है, फ्री है उनकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये समझते हैं कि भाई ये डे बाई डे बढ़ता जा रहा है और आज और कल में बहुत ज़्यादा रश होगा इंशाल्लाह। तो पिछली मरतबा जब हमने माई कराची लगाई थी उसके अंदर तकरीबन 7.5 लाख लोगों ने 3 दिन के अंदर विजिट किया था। इस मरतबा हमारा ख्याल है कि कम अज़ कम 9 से 10 लाख के दरमियान, यानी 1 मिलियन को हम टारगेट इंशाल्लाह अचीव करेंगे।